इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। इस वीडियो को देख के आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ या बेरोजगार हूँ। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान उसमें जी ही लेता है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ जो दोनों आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये बाइक मिस्त्री हैं, बाइक के ये बेचारे दोनों आंखों से अंधे हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं। कपाली में हूँ और कपाली में रहते हैं ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बाइक की सर्विसिंग और इनकी दुकान है, ये भी किराए की है। कपाली में उनका छोटा सा गैरेज है और जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो इंसान है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बाइक बना रहे हैं। मैंने भी जब ये वीडियो देखा तो मुझे एक बार को फिर भी बिल्कुल भी यकीन नहीं। बाइक के बेहतरीन मिस्त्री हैं और कपाली में बाबू गैरेज के नाम से, बाबू मिस्त्री के नाम से इनका ये दुकान है जहाँ ये चलाते हैं। जी, संघर्ष और कष्टदायक जीवन ना होने के बावजूद ये काम भलीभांति अच्छी तरीके से सलीका सीख जाते हैं। बिल्कुल, इसकी जीती जागती तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्यासुद्दीन जब उनको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है तो फिर वो कैसे करते? जो लोग सही सलामत होते हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते। करत करत अभ्यास से जड़वत होत सुजान, रस्सी के आवत जात से शिल्पर बने निशान। अगर जिस तरह से इन भाई साहब का नाम है ग्यासुद्दीन अंसारी है तो कुएं की मेड़ पर जो है वो निशान बना देती है, उसी तरह से लगातार अभ्यास करने से आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं, किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण ग्यासुद्दीन है। हमारे साथ इस वक्त ग्यासुद्दीन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? बगल में ही घर है हमारा, किराया पे रहते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा? कब से आपको दिखाई नहीं दे रहा? बचपन से। पैदाइशी है? देखिए दोस्तों, तो जब आपको दिखाई नहीं देता है तो गैरेज में ही काम करने का क्यों सोचा? मतलब बड़ा भाई का, इंसान को कितनी भी परेशानी दिक्कत में हो लेकिन कभी करते थे हारना नहीं चाहिए, तो नहीं भी रहने देते थे, काम करते लगे कहीं रहना चाहिए। दोस्तों हम गाँव में गैरेज में भैया गैरेज में रहते थे। जैसा कि मैंने कहा कि अभ्यास लगातार करने से आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है। इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अभ्यास से आज बाइक के बेहतरीन मिस्त्री बन चुके हैं। घर में कौन कौन है आपके? सब है, मम्मी पापा है। शादी हो चुकी है? हाँ। कितने बच्चे हैं? सच में अगर इंसान किसी भी, यही आपका जीविका है, हिम्मत है, कमाई से बड़ी सी मुसीबत का सामना कर सकता है, हो जाती है। सरकार की तरफ से आपको कुछ मिला अभी तक? सरकार तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिला है, पेंशन मिलता है महीना का, दिव्यांग पेंशन आता है। हाँ। 1000 रुपये में? हाँ। और बाकी इस गैरेज से आपका जीविका था? बस दुकान का किराया, घर का किराया, इसी से सब। आपकी अपनी गैरेज है? हाँ, गैरेज अपना, मकान मालिक किराया था। तो देख लिया भाई साहब, जो आदमी सही सलामत होते हैं वो भी अपने आप को तो समझते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है या हम कर नहीं सकते, हिम्मत हार जाते हैं। इन भाई साहब को सलूट है कि इनकी आंखें ना होने के बाद भी ये अपना काम भली भांति मेहनत से कर रहे हैं।